हेलो हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में स्टेट एसएससी सिलेबस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 2, सो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में आपको टू क्वेश्चंस मिलेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन में 3 बिट्स है और सेकंड क्वेश्चन में 11 बिट्स है। ओके, सो इस वीडियो में अपन दोनों क्वेश्चंस के पूरे ऑल बिट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एडिशंस ऑन ए नंबर लाइन। द फर्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एडिशन ऑन नंबर लाइन। बोल रहा है कि 5 + 7 को अपन को एक नंबर लाइन पे अपन को शो करना है। सो मैंने ये नंबर लाइन बना लिया हूँ ऑलरेडी। सो क्या करेंगे, इधर इधर ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो मैं एक जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ का साइड ले लूँगा, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लूँगा इधर। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। सो बोल रहा है कि 5, सो ये 5 है, 5 + 7 बोल रहा है। सो +1, +1, +1, +1, +1, +1, +1, +1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, ओके। सो 7, 5 + 7 करना है तो अपन को कितना होएगा, 12 होएगा। ओके, ये एरो शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन 5 + 7 करेंगे तो भी अपन को 12 आएगा, और 5 + 7 उसके लिए अपन 12 पे इसको शो करें। ओके, सो वेरी सिंपल, ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको एक समझाने के लिए कोशिश करा था। 5 + 7, सो 5 तो इसका बेस पॉइंट है, उससे 7 ऐड करना है। सो 5 + 7, अगर वही 5 - 7 बोलते लेफ्ट हैंड साइड पे लेना था और नेगेटिव। सो इधर तो पॉजिटिव पूछा है, सो पॉजिटिव करेंगे, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 + 2 बोल रहा है। सो इधर भी मैंने क्या करूँगा, 0 ले लूँगा, इधर भी पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव वो करूँगा। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। सो फर्स्ट बोल रहा है कि बेस पॉइंट 5 है, बोल रहा है 5 + 1 + 1, 1 + 1 2 होगा। सो 5 + 2 आपको 7 होगा। सो 5 + 2 ऐसा अपन को शो करना, और इधर एरो भी अपन को इधर शो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नंबर लाइन करने के टाइम पे। सो ये सेकेंड बिट ऐसे सॉल्व करते हैं, उसी को देखो 5 + 2 है, अब ये 5 + -2 करना है। सो इसको कैसे सॉल्व करते देखेंगे अपन। सो मैं क्या करूँगा, इधर एक 0 ले लूँगा पॉइंट, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, इधर भी मैंने -1, -2, -3, -4, -5, 5 + -2, इधर तो नेगेटिव नंबर्स का कुछ ज़रूरत नहीं है, बट इवन दो मैं आपको समझाने के लिए ये लिया हूँ कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। देखिए 5 + -2 है, सो मैंने क्या करा, 5 तो इसका बेस पॉइंट है और -2 बोल रहा, सो ये -1, -1, -1, -1, -2 होगा। सो आपको पॉइंट आ जाएगा +3 पे आएंगे। सो 5 + -2, +(-) इज माइनस, ओके। सो 5 - 2 को अपन को ऐसा इंडिकेट करना है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, इधर नेगेटिव वैल्यूज का कुछ भी रोल नहीं है, जो भी है पॉजिटिव वैल्यूज का है। 5 - 2 करने पे आपको 3 पे आएगा। ओके, सो इसी तरह अपन फर्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व किए 3 बिट्स को, अपन अभी सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखिए सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग बोल रहा है। कंप्यूट मीनिंग क्या है, कैलकुलेट करना है, जस्ट वेरी सिंपल है ये। सो इसके पूरे बिट्स अभी 11 बिट्स है, इसमें 9 बिट्स है, अभी 2 बिट्स बाकी है, मैंने अभी को सॉल्व करेंगे क्लिक करके। देखो 7 + 4, जब आप 7 को ऐड करेंगे 4 पे तो आपको डायरेक्टली 11 आंसर आएंगे। सो यही इसका फाइनल आंसर है। ओके, और इसी तरह देखिए सेकेंड वाले का क्वेश्चन देखिए, 8 + 3, 8 + (-) क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3, सो 8 में से 3 गया तो आपको आंसर 5 आएगा। सो यही इसका आंसर है। ओके, +5, और इसी तरह देखिए 11 + 3, थर्ड बिट को 11 + 3 करने पे आपको 14 आएगा। ओके, सो ये इसका आंसर है। सो वेरी सिंपल, जस्ट कैलकुलेट करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है उसको ऐड करके अपन को
अगर ऐसा डायरेक्टली दिया तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट 8 + -3 करेंगे तो आपको कुछ दिक्कत हो सकती है आपको सॉल्व करने में. ओके सो ये भी बहुत सिंपल है. सो इसको देखेंगे फोर्थ बिट क्या है. 14 + -6 बोरा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 बोरा. 14 में से 6 गए तो आपको बचेगा रिमेनिंग 8. सो इसका आंसर 8 इज है. इसी तरह 9 + -2 हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता इसको 7. सो 9 - 7 करने पे आपको आंसर 2 आएगा. ओके सो इसी तरह 14 + -10. ओके 14 - 10 दैट इज 4. सो इसका आंसर 4 आ जाएगा. सो इसी तरह देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर. 13 + -(-15). सो 13 में से -15 करेंगे तो आपको -2 आएगा. -2 आएगा, +2 नहीं आता आपको, -2 आता इधर आंसर. ओके और 4 + -(-4). सो 4 में से 4 जाएंगे तो आपका आंसर 0 हो जाएगा. ओके सो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको. और देखिए इधर देखिए 10 + -(-2). सो 10 - 2 इज वॉट 8. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके सो आपको 8 आ रहा. सो ये 9 बिट्स है, और भी अपन 2 बिट्स से देखेंगे ये 2 बिट्स को. सो देखिए 100 + -(-80). सो आपको जब सॉल्व करेंगे 100 - 80 करेंगे तो आपको 20 आएगा फाइनल आंसर. ओके इसी तरह इसका भी आंसर देख लीजिए आप. 225 + -(-145). जब आप 225 को 145 से आप निकालेंगे तो आपको रिमेनिंग आंसर आएगा 180. ओके सो मैंने एक बार आपके लिए कर दूंगा इधर 145. सो 5 में से 5 गया 0, इधर 2 है सो 1 कैरी करेंगे. सो 12 - 4 करेंगे तो आपको 8 आएगा, और 1 में से 1 0, सो रिमेनिंग 80. ओके सो आपको 80 आएगा ना कि 180 आएगा. ओके सो जस्ट 80 आंसर इज 80 आंसर इज 80 नॉट 180. ओके सो आई होप आपको समझ में आया होगा. इससे अपन एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं. ओके सो और भी अपन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में. अपन इस वीडियो में यहीं पर ही रोक देंगे. अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए. अगर आपको कुछ डाउट्स है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.